अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज जुमातुल मुबारक है, जुमे की तैयारी हो रही है और ये कर रही हूँ। एक तो मेरे हाथ से एक हाथ से मोबाइल पकड़ूँ, दूसरे हाथ से काम बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो अभी हो रहे हैं अपने इसके कपड़े इस्त्री और उसके बाद अपने, फिर बाबा के, तो जुमे की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, हम इस पानी की स्प्रे आया से बोल बोल के मैं थक गई हूँ। मैं किस तरह करती हूँ, ये तो ले आई हूँ, उसमें पानी डाला और इस तरह स्प्रे कर लिया कपड़ों पे। इस तरह हम इस्त्री करते हैं। ये देखिए हमारा तरीका, देखिए कितना मज़ेदार है। और ये मैं बना रही हूँ मीठी शकरकंदी। ये मेरी अम्मी की फेवरेट डिश है और मेरी अम्मी बड़े शौक़ से बनाती हैं और बहुत मज़े की बनाती हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैंने अभी उनसे रेसिपी पूछी है। तो मैं ये शकरकंदी लेकर आई थी, तो ये दो शकरकंदियाँ हैं और इसमें मैं चीनी डाल के ये शकरकंदी, मीठी शकरकंदी बनाऊंगी। और कपड़े इस्त्री हो रहे हैं और उसके बाद जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। और हाँ, आज सारा दिन दरूद शरीफ पढ़ना है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िए ना। अब नमाज़ हो गई है, अब बना रहे हैं हम रोटी। और आज हमने बनाया है कीमा आलू, तो ये रोटी बन रही है। इसके बाद हम आयास को खाना देते हैं और मैं खाना खाऊंगी। अब रिश खाना नहीं खाएगी क्योंकि उसने अभी नाश्ता किया। ये देखिए मेरी दूसरी रोटी बेल रही हूँ मैं। और इसके बाद हम, ये रहे मेरे कल के चावल रखे हुए थे। और मेरा सालन कहाँ है? अच्छा, मैं अपना सालन, ये रहा, हाँ ये बनाया है मैंने कीमा आलू। धनिया नहीं डाला अभी इसमें। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें छोटी सी पतीली में प्यारा सा सालन। मैं इसे प्यारा सा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत छोटी सी पतीली में बन रहा होता है ना, तो बड़ा क्यूट लग रहा होता है। चलें जी, अब मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हम जा रहे हैं छत पे। मोटू पप्पा की बकरियों ने छोटे छोटे से मुन्ने दिए प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, तो हम उनकी छोटी छोटी बकरियाँ देखने जा रहे हैं। ये आ गए हम छत पे और ये रहे छोटा छोटा गब्बू, ये बड़ा गब्बू, ये जूजू के नाम है। अब जो छोटे बच्चे हुए हैं उनका नाम जूजू ने रखा है, चांद और चांदनी, छोटे सा चांद और छोटी सी चांदनी। ये बड़ा गब्बू बड़ा ख़तरनाक लगता है, ये बहुत ज़ोर की टक्कर मारता है। और ये दोनों हैं, ये दोनों क्यूटी, ये बहुत क्यूट है, बहुत छोटी सी है, अपनी बिल्कुल मम्मा की तरह है। ये तो ये देखना, ये लो चलो, अंधेरा भी हो रहा है, बाहर लेकर आओ इसको। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल इसकी कॉपी है। ओ ये माशा, थोड़ा सा आप पीछे हो, दिखाओ, अब दिखाओ सामने से, फ्रंट से, वाह, ऊपर से दिखाओ। ओ माशाल्लाह, छोटा बेबी है, छोटा बेबी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा उससे तो। बकरी, ये बकरा है, वो बना बनाया बाप। अरे ये नहीं लेके जा रहे कहीं। वो डर गई ना कि मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रही। माशाल्लाह, इसको भाभी इसको संभालो, ये बहुत छोटा है, कहीं गिर ना जाए। ये छोटा सा बेबी है और इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ये बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। लेकिन इसके साथ का जो छोटा मुन्ना बकरा है ना, वो बिल्कुल सही है, माशाल्लाह वो अच्छा है। वो देखें, वो खड़ा हुआ है अंदर। छोटे गब्बू ऊपर देखो, ऊपर देखो छोटे गब्बू। ये जूजू का छोटा गब्बू है और जूजू को बहुत ज़ोर की टक्कर, ये वो बनता है ना अर्तुगल, अर्तुगल काजी बन जाता है। ये हो रही है जूजू की और बकरों की लड़ाई। अब हम यहाँ आए हुए छत पर और बकरों के पास, छोटी छोटी बकरी और छोटे बकरे को देने, दो देखने छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो मैंने आपको दिखाए भी हैं वीडियो में, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ये है जूजू और ये है हमारी छत। अब आप लोग इसे देखकर बताएं ये क्या चीज़ है और पहचान के मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये क्या चीज़ है जो छिलकों के साथ है अपनी असली बहुत बुरी अपनी असली पोजीशन में पर फ्रीज हुआ भाई, ये देख के मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ है। तो जनाब, मैं इस वक्त आ गई हमारे मोहम्मदी ग्राउंड में, जुमा बाज़ार लगता है। मैं उसे फर्स्ट क्लिप है आपको फिर दिखाती हूँ। ये भाई साहब हैं जिनकी आपने इनको पहले भी देखा होगा हमारी वीडियो में और अब भी हैं ये हैं। और ये इनका ये स्टॉल है, ये देखिए लेडीज़ की ना आए सामने से ये कपड़े। तो जनाब, मैं वापस आ चुकी हूँ अपने भाई के घर से और मैं आज गई थी जुमा बाज़ार, तो मैंने कहा कुछ ले लूँ अब्रिश के लिए क्योंकि उसके घर के कपड़े पहनने के लिए फुल स्लीव के कुछ बचे नहीं थे, अब सारे हाफ स्लीव थे, तो मौसम चेंज हो गया है। तो हमारे मोहम्मदी ग्राउंड में जुमा बाज़ार भी लगता है, तो वहाँ मैंने इसकी थोड़ी सी टी शर्ट्स वगैरह लिए, कुछ ट्राउज़र लिए। तो बाकी जो कल कपड़े लिए थे वो तो मैंने आने जाने के लिए थे, लेकिन जो घर के लिए थे वो अभी नहीं लिए थे। मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये टी शर्ट्स हैं सारी, ये जितनी भी आपको रखी हुई नज़र आ रही हैं, ये हैं, ये है ये, और ये इसका एक ट्राउज़र है, ये इसका एक ट्राउज़र है,
ट्राउज़र है, ये चेक में इसकी पैंट है, ये है अच्छी मिल गई, ये टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो अच्छी मिल गई, तो मैंने कहा ये दिखा दूँ आपको। तो ये इसके ये शर्ट्स ले ली हैं, और उसके बाद काफ़ी थकन हो गई थी, फिर मैंने सोचा अब इस वीडियो घर चलते हैं, और घर चलने के बाद इस वीडियो का एंड करेंगे, और फिर उसके बाद कल आपसे मिलेंगे, क्योंकि इस आज बहुत थकन हो गई है, जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन सुबह से बहुत काम होता है, तो सारा काम करके फिर मार्केट भी जाना हुआ, जुम्मा बाज़ार भी होकर आई, तो बहुत थकन हो गई है, और इसके बाद से अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और अब आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, और फिर इसके बाद कल मिलते हैं। अबरिश आज आप अल्लाह हाफिज़ नहीं बोलोगी, और आप क्या कहती हो? लाइक को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक ठोकिए, नहीं नहीं लाइक कीजिए बस, नहीं नहीं लाइक ठोकिएगा, और रात के टाइम में कौन ब्रश करते हैं कमेंट में जल्दी, और रात के टाइम सोने से पहले कौन ब्रश करता है कमेंट्स, कमेंट्स जो जूजू कहती है कमेंट्स, क्या कमेंट्स, कमेंट्स में बताइएगा कि रात के टाइम कौन से कमेंट्स में बताइएगा कौन ब्रश करता है, मैं तो नहीं करती हूँ, मैं सुबह करती हूँ, रात में अब ब्रश नए ब्रश हैं यहाँ, और अभी ने एक सूट ये भी पहना हुआ, ये शर्ट ये भी पहनी हुई है जो मैं आज लेकर आई हूँ, और ये तो पूरा वो हाँ ये तो ट्राउज़र वो थे जो हम कल लेकर आए थे। चलें फिर उसके बाद आपसे कल मिलते हैं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।